सिखा देती है चलना ठोकरें भी राहगीरों को। कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता, जिंदगी में उम्मीद की लौ जगाए रखने का संदेश देता ये शेर जितना खास है उतने ही विशिष्ट हैं इसे लिखने वाले निदा फाजली साहब, जिन्हें उर्दू अदब का अलहदा सितारा कहा गया तो हिंदी वालों को भी वो निहायत अपने लगे, क्योंकि शायर और गीतकार निदा फाजली की रचनाएं जिंदगी की बुनियादी हकीकत के जरिए दिल को छूती हैं। मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न जानो बहुत बड़ी फनकारी है। निदा फाजली साहब का असली नाम था मुक्तदा हसन। उनका जन्म दिल्ली में 12 अक्टूबर 1938 को एक कश्मीरी परिवार में हुआ था। बहुत छोटी उम्र से लिखना शुरू करने वाले मुक्तदा हसन का उपनाम उनकी शख्सियत के अनुरूप था। निदा का मतलब है आवाज और फाजिला कश्मीर के उस इलाके का नाम है जहां से उनके पुरखे आकर दिल्ली में बस गए थे, इसलिए उन्होंने अपने उपनाम में फाजली जोड़ लिया। पिता शायर थे जिसका असर उन पर भी हुआ। बचपन ग्वालियर में गुजरा और वहीं से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में साथ पढ़ने वाली मिस टंडन की एक एक्सीडेंट में अचानक जब मौत हो गई तो ये हादसा उन्हें अंदर तक झकझोर गया। इसी मनःस्थिति में वो एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने सूरदास का भजन सुना, मधुबन तुम कत रहत हरे। उनके अंदर जमी हुई दुख की परतें पिघलने लगी। उन्होंने सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, बाबा फरीद और तमाम कवियों को पढ़ा। उन्हें लगा कि बिना लाग लपेट सीधी सादी भाषा में लिखी रचनाएं ज्यादा लोगों तक पहुँचती हैं। सूरदास का पद उधो मन न भये 10-20 और मिर्जा गालिब की गजल दिले नादा तुझे हुआ क्या है कितनी आसानी से रचनाकार की बात कह देती है। बस यहीं से दिल से निकली बात को सरल भाषा में कहने की शैली विकसित हुई और निदा फाजली साहब जिंदगी के तमाम मसलों पर लिखते रहे। कमाई की तलाश में वो कई शहरों में भटके और फिर मुंबई आ गए। यहाँ आकर धर्मयुग और ब्लिट्स जैसी पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। सरल भाषा शैली के साथ दिल तक पहुँचने वाली रचनाओं के चलते वो जल्द ही मशहूर हो गए। अदबी मुशायरों में उनके कलाम पसंद किए जाने लगे और इस तरह जिंदगी का एक और रास्ता खुला जिसमें जानिसार अख्तर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। जानिसार अख्तर ग्वालियर से थे और निदा फाजली के लेखन के बारे में जानते थे। उन्होंने यूं ही कमाल अमरोही साहब से भी निदा फाजली का जिक्र किया था। कमाल अमरोही उन दिनों रजिया सुल्तान बना रहे थे जिनके गाने जानिसार अख्तर साहब लिख रहे थे। अचानक ही उनका निधन हो गया। फिल्म के बाकी गाने लिखने के लिए कमाल अमरोही ने निदा फाजली से संपर्क किया और तब उन्होंने दो गाने लिखे, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम मेरी हयात है और आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। यहीं से फिल्मों में गीत लिखने का सफर शुरू हुआ और हिंदी फिल्म जगत को मिले एक से बढ़कर एक गाने। बड़ी मशहूर हुई फिल्म सरफरोश की गजल होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की ये गजल भी काफी गुनगुनाई गई। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। इसी फिल्म की एक और गजल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। फिल्मों के साथ साथ उनकी गैर फिल्मी गजलें भी बेहद मशहूर हैं। एक शेर में जिंदगी की किसी बड़ी विसंगति को बयां करना उनकी विशेषता रही है। मसलन ये शेर देखिए, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। बच्चों जैसी मासूमियत के साथ जिंदगी को खिलने देने की पैरवी करने वाले निदा फाजली उस खुशी को ज्यादा अहमियत देते रहे जो धर्म, समाज और रीति रिवाजों से अलहदा होकर आत्मा से निकलती है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। 8 फरवरी 1916 को जिंदगी से प्यार करने वाले कलमकार ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन अपनी रचनाओं के जरिए वो हमेशा यादों में रहेंगे। सफर को जब भी किसी दास्तान में रखना, कदम यकीन में मंजिल गुमान में रखना। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।